नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटरबीम हिंदी में। क्या आपने ग्लैमर की एड्स देखी हैं आज तक? अगर आपने देखी हैं तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, स्टेटस सिंगल हो जाता है उनका। यहाँ पे मैं 3 दिन से चला रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला। सैड लाइफ। ठीक है, आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको रीजंस बताऊंगा आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले मोटरबीम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ग्लैमर हीरो की तरफ से 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। और एक्चुअली अगर आप मंथ के सेल्स देखें, एवरी मंथ के, तो ये मोटरसाइकिल टॉप 10 के लिस्ट में आ जाती है। सबसे पहला रीज़न ये मोटरसाइकिल को खरीदने का ये होगा कि मोटरसाइकिल का स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा प्यारा है और बेसिक्स अपडेट में इसे काफ़ी अच्छी तरीके से अपडेट किया गया है। अभी आपने एड्स तो देखी ही होंगी, तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी लड़कियां बाजू बाजू में आ जाती है। यहाँ पे मेरा वैसा कंडीशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये मोटरसाइकिल गुड लुकिंग है 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से। इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो काफ़ी छोटा है। अब ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको सिटी में चला रहे हैं तो तुरंत फ्यूल पंप्स मिल जाते हैं, सब ठीक है। लेकिन अब माइलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल से मिल जाता है अगर आप प्यार से चलाएं। हम इसे थोड़ा पुश कर रहे हैं क्योंकि हम इसे रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें 49 से 50 का माइलेज मिल रहा है, विच इज़ ओके। तो ये मोटरसाइकिल में आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है जो पहले जैसा ही है, लेकिन आपको FI के साथ XSense FI मिलता है। तो ये एक सेंस कर लेता है कि आप पुश कर रहे हैं या प्यार से चला रहे हैं। अगर आप आराम से चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज देगा, अगर आप पुश कर रहे हैं तो ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 10.7 हॉर्स पावर मिलता है और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो ये मोटरसाइकिल के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग है और रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक और रीज़न हो सकता है ये मोटरसाइकिल खरीदने का, क्योंकि एक स्पेशल प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल है और इसका अर्गोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है सिटी ड्यूटीज़ के लिए। अगर आप लंबी डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं तो इसका सॉफ्ट सीट शायद से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन सीट हाइट 793 mm पे है जो काफ़ी एक्सेसिबल है सब लोगों के लिए और राइडिंग पोस्चर एकदम अपराइट है। आपको रबर फुटपैक्स मिलते हैं राइडर के लिए और पिलियन के लिए भी। पांचवा और आखिरी रीज़न एक हीरो मोटरसाइकिल खरीदने का ये होगा कि आपको आफ्टर सेल्स में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हीरो के आफ्टर सेल्स सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और ग्लैमर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो 10 साल से ज़्यादा बिकी है, तो ग्लैमर के पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, सर्विस इजीली हो जाती है और एक्चुअल सर्विस कॉस्ट नॉर्मल अदर कॉम्पिटिटर्स से, मतलब शाइन से, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये थे सारे रीजंस ग्लैमर को खरीदने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ और रीजंस भी है जिससे आप ये मोटरसाइकिल ना खरीदें, आप साइड से साइन प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है ये मोटरसाइकिल का राइडिंग डायनामिक्स। राइडिंग डायनामिक्स की बात करूँ तो इसमें बहुत पतले टायर आते हैं, आगे लंबा सस्पेंशन मिलता है, मतलब सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा है, लेकिन पीछे का सस्पेंशन थोड़ा हार्ड किया गया है लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए। मोस्टली ये कम्यूटर मोटरसाइकिल सोलो पीपल चलाते हैं, सिंगल लोग चलाते हैं, और वो कंडीशन में आपको इतना ज़्यादा बाउंस बैक इफेक्ट मिलता है पीछे से कि आपको सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, और आप कॉर्नर करें तो टायर में भी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरा रीज़न ये मोटरसाइकिल न खरीदने का ये होगा कि अगर आपको अच्छे ब्रेक्स चाहिए तो आपको दूसरी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे CB शाइन में ले सकते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल के ब्रेक्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको इनिशियल बाइट तो मिल जाती है लेकिन आप इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करें या मतलब एकदम से ब्रेक्स पे खड़े हो जाएं तो भी आपको ब्रेकिंग फीडबैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, आप इमरजेंसी सिचुएशन में रुक नहीं पाते, क्योंकि ये मोटरसाइकिल थोड़ी स्किड भी हो जाती है और ब्रेक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हीरो ने ग्लैमर में जब से FI इंट्रोड्यूस किया तब से आपको एनालॉग डिजिटल क्लस्टर मिलता गया है और आज तक क्लस्टर का डिज़ाइन सेम ही रहा है, थोड़े बहुत डिटेल्स चेंज किए गए हैं लेकिन क्लस्टर एकदम बेसिक है और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। I3S की टेल्टे लाइट मिलती है और बस उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है। और मैं स्विच गियर की बात करूँ तो स्विच गियर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक का फील इतना अच्छा नहीं है, आप इंडिकेटर के इसमें देख सकते हैं कि प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का फील होता है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की सिमिलरली बात करूँ तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल की इतनी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक का फील थोड़ा सा खराब लगता है क्योंकि पैनल्स थोड़े ये वाइब्रेट करते हैं और सीट देखिए ठीक से बैठी भी नहीं है, भले ही मैंने लॉक करने का ट्राई किया सीट अच्छे से बैठती नहीं है। और अगर मैं मोटरसाइकिल को चालू करूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस भी फील होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे, आप देख सकते हैं कि हैंडल बार बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं, और मैं इसे रेव करूँ आपको रैटलिंग नॉइज आ रहा है, वाइब्रेशंस भी मोटरसाइकिल में काफ़ी हैं। तो ये थे 4 रीजंस ये मोटरसाइकिल को ना खरीदने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।